हेलो दोस्तों, वॉल्यूम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 3/2018 के बारे में। जी हां दोस्तों, आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर वाले कैंडिडेट के जॉइनिंग से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट जारी की है। दोस्तों, इस बार आरआरबी मुंबई से जूनियर इंजीनियर वाले कैंडिडेट के जॉइनिंग स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए जॉइनिंग लेटर एक साथ कैंडिडेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। दोस्तों, सभी जूनियर इंजीनियर वाले कैंडिडेट के जॉइनिंग जुलाई के मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल शेड्यूल भी जारी कर दिया है। दोस्तों, कैंडिडेट को जॉइनिंग के समय करेक्टर सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म और इंडिमिनिटी बॉन्ड भी बनवा कर ले जाना है, जो एक साथ ऑफिशियल शेड्यूल जो जारी किया है जॉइनिंग का, उसके साथ अटैच कर दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रेलवे भर्ती की किसी भी प्रकार की अपडेट का आते ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिस। यहाँ से देखिए, पश्चिम रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे ने जारी किया है। इधर देखिए, मध्य रेलवे प्रबंध कार्यालय मुंबई सेंट्रल, डेट देखिए 1/6/2020। इसके बाद नीचे जो सब्जेक्ट है उसमें देखें क्या लिखा है। सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रेंटिस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन स्केल 9300 से लेकर 34800 प्लस 4200 ग्रेड पे लेवल 6 इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन डिपार्टमेंट बीसीटी डिवीज़न। इसके बाद दोस्तों, यहां से देखिए, कैंडिडेट के लिए कुछ बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यहां से पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके लीगल सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सबको लेके जाना है। यहाँ से देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, और आपकी एजुकेशन से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे लेके जाने हैं, और ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, सारे डिटेल मेंशन किए गए हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, तो सभी कैंडिडेट इसको पढ़ लीजिएगा। यदि दोस्तों आपको अपनी जॉइनिंग से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ से देखिए, नीचे कुछ और बेसिक डिटेल हैं। इसके बाद दोस्तों, नीचे देखिए, आपके जॉइनिंग के जो शेड्यूल हैं उसको देख लीजिए। यहाँ से सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, फादर्स नेम, रोल नंबर, रिपोर्टिंग डेट यानी किस डेट को आपको जॉइनिंग के लिए वहाँ पर उपस्थित होना है, और टाइम यहाँ से देख लीजिए। तो दोस्तों, सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो कैंडिडेट हैं उनको 21 जुलाई 2020 यानी 21/7 को जॉइनिंग के लिए रिपोर्टिंग करना है सुबह 10 बजे। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ से सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 तक सभी कैंडिडेट अपना नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर देख लीजिए, इनको 21/7/2020 को, इनको भी 21/7/2020 को रिपोर्टिंग के लिए जाना है सुबह 10 बजे। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक, यहाँ से सभी कैंडिडेट अपने अपनी डिटेल देख लीजिए, नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, इनको 22/7/2020 यानी 22 जुलाई को रिपोर्टिंग के लिए जाना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये सभी कैंडिडेटों को 2020 में ही जाना है, यहाँ पर कुछ गलती से लिख दिया है 2021/22/23/24/25/26, ऐसे इस प्रकार ये गलत है। सभी कैंडिडेट को जो इस सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक हैं, इनको 22/7/2020 की डेट में ही जाना है, ये गलती से छाप दिया, सुबह 10 बजे वहाँ पर उपस्थित होना है। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ से सीरियल नंबर 1 से लेकर 15 तक सभी कैंडिडेट अपना नाम देख लीजिए, यहाँ से फादर्स नेम, रोल नंबर, इन कैंडिडेटों को 17 जुलाई 2020 को जाना है यानी 17/7 को जाना है। सभी कैंडिडेट यहाँ से अपने अपने डिटेल देख लीजिए। इसके बाद नीचे सीरियल नंबर पे चलते हैं, तो इधर देखिए, यहाँ से सीरियल नंबर 1 से लेकर 15 तक सभी कैंडिडेट अपना नाम, फादर्स नेम और रोल नंबर मैच कर लीजिए, इन कैंडिडेटों को जाना है 20/7/2020 को जॉइनिंग के लिए। इसमें भी दोस्तों मिसप्रिंट है, यहाँ से देखिए 20/7/2020 फिर 21/22/23/24/25 यहाँ पर 2034 तक है, तो इतना लंबा जॉइनिंग का प्रोसेस नहीं चलने वाला है, ये गलती से छपा है। सीरियल नंबर 1 से लेकर 15 तक जो कैंडिडेट हैं उनको 20/7/2020 की डेट में जॉइनिंग के लिए जाना है। तो इसके बाद दोस्तों नीचे देखिए, ये तो कैंडिडेट के जॉइनिंग का शेड्यूल था कि किस कैंडिडेट को कब जॉइनिंग के लिए जाना है, किस डेट को जाना है। इसके बाद नीचे जॉइनिंग के समय जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर अटैच किए हुए हैं, तो यहाँ से देखिए अटेस्टेशन फॉर्म है। दोस्तों, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अटेस्टेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरते हैं, तो यहाँ इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको इनको दिखा देता हूँ, बाद में मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा, वहाँ से आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कौन से कॉलम में आपको क्या भरना है। तो यहाँ से देख लीजिए, अटेस्टेशन फॉर्म दिया है। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ से इसको मैं आपको पूरा भरने का प्रोसेस बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। इसके बाद यहाँ से देखिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अटेस्टेशन फॉर्म के बाद में आपको पहचान पत्र के लिए ये फॉर्म भरना है। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ से
ये कार्यालय में भरा जाएगा। फिर यहाँ से देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ से ये परफॉर्मा दिया है, इसको मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि ये कैसे भरना है। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ से सभी आपको जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के ले जाने हैं सारे दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ से ये एस टी एस सी वाले कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है जो आपने पहले ही बनवा रखा होगा। ये आपको एक बार ही बनता है, जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बनवाया था वही चलने वाला है। यहाँ से देखिए इसमें एक्ट 2002 तक का होना चाहिए ये। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर OBC करेक्टर सर्टिफिकेट का ये परफॉर्मा दिया है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बनवाना है। इसके बाद में यहाँ से अटेस्टेशन फॉर्म, ये फिर से वही आ गया, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे फिलअप करना है इसको। तो दोस्तों आपके लिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो ये भी साथ में अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स किए हैं इनका अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ से देखिए आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, ये आपके जॉइनिंग के डिटेल हैं। सभी कैंडिडेट अपने अपने मना लीजिए।